चले इससे जो पहले मुकाबला कराया गया था वही बात करें ग्रुप सी से, दो ही टीमें बेहतरीन तालमेल का जरा पेश किया, डीजे मरू हो उनका सामना किए अर्जुन बिला खिलाड़ी। ग्रुप ए बनाम ग्रुप सी के बीच मुकाबला खेला जाएगा, इसमें आप लोगों नोटिस करेंगे टाइशीट के साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है टीम कप्तान की मैं ध्यान देंगे इस बात पे। हेलो सेमी का पहला मैच आज और कॉमेडी के भरने साथ इस बात पे आप लोग भी गौर घुमाएंगे, यहां से भी जो टीमें जीतेंगे वो ग्रुप बी बनाव प्राज की जंग यहां पे आरंभ हो जाएगा दोनों टीम के लिए। मुकाबला बहुत ही बड़ा है, यहां से जो भी टीम जीतते हैं करीबन करीबन आप 40,000 रुपए जितने भी पुरुष वर्ग मेरे बड़े भाई आदर्श समान चाचा श्री आप सबसे मुका चाहेंगे कि मंच जितने भी दाहिने साइड में खड़े हैं आप सब से इस वक्त आप लोग खड़े रहें क्योंकि कुछ क्षण बाद महिला माता बहन भी आएंगे और कहीं ना कहीं और आप सबको इस जगह को छोड़ना होगा। मिस की कांख आरंभ हो चुका है, ये क्वार्टर फाइनल का मिस जो भी टीम जीतेंगे सेमी में जरूर कब आएंगे। बात करें टीम है आर्मी एफसी और कहीं ना कहीं माजी मातो भाई भाई मंच के लेफ्ट साइड को दावन थामे हैं, डीसी चैंपियन के तमाम खिलाड़ी हैं। मैं तमाम दर्शकों को भी याद करा दूं दो ही टीमें के स्ट्रॉबेरी टीम है और इस खेल में भी चाचा श्री पहला गोलदाता को 200 रुपया देंगे सम्मानित करेंगे। मोहम्मद राजा की जंग को यहाँ पे छड़ी जाएगी जा रही है, टीम है प्रकाश राय। इस बार राजू के लेकिन डाले गए थे सीमा के आसपास, गेंद को रिसीव किए अपने ग्लोब समय बहुत ही बड़ा मैच खेला जा रहा है टीम के लिए। देखना ये सच रहेगा क्या इस बच्चे को जिस समय में स्कोर देखने को मिल सकता है क्या, और भी देखे बात हुई पिछला मैच में जिस प्रकार की स्कोर देखने को मिला था एक एक की बराबरी के साथ साथ मैच को ट्राई ब्रेकर तक जाना पड़ा था। इस बार राजू बंकरा बॉल के साथ आगे बढ़े बड़ा चुप और कहीं की गेंद सीमा से बाहर, अच्छा मैच को दर्शा रहे हैं मनोज दो है टीमों ने, अच्छा खेल को अंजाम दे रहे हैं इस वक्त तमरावसा ग्राउंड में। परिणाम स्वरूप की बात करें फर्स्ट का मैच है, मैच में अभी तक स्कोर की तलाश है दोनों टीमों को, क्या ही स्कोर देखने को मिल सकता है क्या इस सवाल से दोनों टीम बनी हुई है। महात्मा गांधी का तस्वीर भी है तो इतनी सारी चीजें मिलेंगी तो बेहतर से बेहतर जो है नजारों को पेश तो करना ही होगा। तो चलिए यहाँ पर जो समय फर्स्ट हाफ के लिए दिया जाता है रंजीत संभाले हुए हैं, मिडिल मैच रेफरी के रूप में उनकी किरदार हमें देखने को मिल रहा है। माजी मातो भाई भाई जाता हुआ, अच्छा यहाँ पे गेंद के साथ जादव समट एक अच्छे मिडफील्डर के रूप में जाने जाते हैं और अब तक उन्हीं के ही पास ये गेंद नजर आ रही है। लेफ्ट पैर के सहारे गेंद को एक बेकार गेंद के रूप में जहां पर उनके खिलाड़ी मौजूद नहीं आशा वो कर रहे थे कि वहां पे तीव्र गति से गेंद को ले पाने में सफल होंगे, ये बहुत ही चुनौती इसलिए मैं पहले ही कहा कि एक बेकार गेंद के रूप में। दमखम का वर्णन करना पड़ रहा है, विवरण को दोहराना पड़ रहा है, जर्सी नंबर 7 माजी मातो भाई भाई सटीक पास दे पाने में नाकाम रहे फिर भी यहाँ पे लंबे कटकाठी के मुख्य डिफेंडर यहाँ पे मातो दयंत महतो के द्वारा शानदार किक, लेकिन गोलकीपर के लिए कोई परेशानी नहीं, गोल लाइन से बाहर के रूप में डिफेंडर की आई है और उनके बार बार आपको मैदान में इनकर आधे घंटे से जूझना आपके पास आपकी एनर्जी आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूप से जो है पूरी तरह से
आप सुदृढ़ और इस दृढ़ता को आप अपने खेमे में अपने जहन में रखकर जब खेल को विस्तार करते हुए नजर आएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी फुटबॉल खेल की